नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वाई सी टी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आजकल हम लोग SSC JEE का PBSR का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। पिछले दिन हम लोगों ने 120 तक कंप्लीट किया था, आज 121 नंबर से करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो एकदम लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, ठीक है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, फोर ऑप्शंस हैव बीन गिवन, चार ऑप्शन दिया हुआ है, आउट ऑफ व्हिच थ्री आर अलाइक, मतलब तीनों अलग, मतलब एक ही टाइप के हैं, ठीक है, और इन सम मैनर एंड वन इज डिफरेंट, एक अलग है, चारों में से एक अलग है। हम लोग को जान देख मतलब मार्क करना है कौन सा अलग है, ठीक है। चार ऑप्शन क्या क्या है देखें। देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब EMF, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वोल्टेज भी, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के अंदर जो वोल्टेज डिफरेंस होता है, मतलब डेल वी। डेल वी मतलब माने एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, एक में वोल्टेज वी वन है, एक में वोल्टेज वी टू है, ठीक है, वी वन वी टू से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका वोल्टेज, ठीक है, और लास्ट में आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स मतलब फाई। तो इसमें देखिए आप, ये जो तीन आपका है ABC, ये तीनों वोल्टेज रिलेटेड हैं, ये भी एक वोल्टेज ही है, ठीक है, वो आपका कंडक्टर फ्लक्स काटने की वजह से आपका EMF जनरेट होता है, ठीक है, EMF मतलब वोल्टेज ही जनरेट होता है। तो तीनों ABC वोल्टेज है और एकमात्र इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपका अलग है, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड में जनरेट होता है, ठीक है। दो मतलब पोल जब जनरेट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो पोल के बीच में फ्लक्स फ्लो होती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पे चार रिलेशन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई करेक्ट रिलेशन, करेक्ट रिलेशन हम लोग को फाइंड करना है एक ट्रांजिस्टर के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। यहाँ पर आपका IE, IC, IB, चारों में IE, IB, IC, ये तीन दिया हुआ है और उसका अंदर रिलेशन देखना है हम लोगों को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन मतलब कौन किससे कम है, यही हम लोग को देखना है, ठीक है। ये देखिए कौन किससे कम है, कैसे पता चलेगा। देखिए आपका जो ये आपका PNP ट्रांजिस्टर है, ठीक है, PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है, PNP ट्रांजिस्टर में हम लोग का ये है एमीटर करंट IE, IB होता है आपका बेस करंट और IC होता है आपका कलेक्टर करंट, और एमीटर बेस जो जंक्शन होता है, एमीटर बेस जो जंक्शन है ये आपका फॉरवर्ड बायस में रहता है। फॉरवर्ड बायस मतलब आपका P के साथ आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड रहेगा और N के साथ आपका नेगेटिव टर्मिनल, तो आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये आपका कलेक्टर और बेस टर्मिनल जो है ये आपका रिवर्स पोटेंशियल मतलब रिवर्स बायस में कनेक्शन कनेक्टेड रहेगा। रिवर्स बायस कैसे पता चलेगा, देखिए P के साथ हम लोगों का बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड रहेगा और N के साथ आपका पॉजिटिव टर्मिनल, तो आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को देखना है कौन सा करंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक मतलब नियम है कि आपका ये जो बेस करंट होता है, ठीक है, ये सबसे कम होता है, क्योंकि आपका जो एमिटर करंट फ्लो होता है P के अंदर, ये आपका बहुत मतलब देखिए यहाँ पर 2% धारा जो होती है आपका बेस की तरफ होकर आपका निकल जाती है, फिर से वापस यहीं पर आता है, और बाकी 90% जो करंट है वो आपका कलेक्टर तक फ्लो हो जाती है, ठीक है। तो आपका IE हो गया आपका 100%, 100% वाला टोटल करंट है IE, और IE कॉस्ट हो जाएगा आपका IB प्लस IC। अब IB कितना का परसेंट करंट बोला मैंने, 2% प्लस IC होता है आपका 98% करंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कौन सा सबसे ज़्यादा हुआ, IE सबसे ज़्यादा हुआ, उससे कम हुआ आपका IC और सबसे कम हुआ IB,
अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग कैसे हो रहा है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज द करेंट आई एम कैपेसिटी एन एम्पीयर, मतलब एक लॉन्ग वायर है ऐसे, ठीक है, आपका एक लॉन्ग वायर है वो आपका करंट कैरी कर रहा है आई इक्वल्स टू 10 एम्पियर। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, एट व्हाट डिस्टेंस इज द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस वायर से आप कितने डिस्टेंस में, ठीक है, यहाँ से कितने डिस्टेंस में, माना कि यहाँ आपका पॉइंट है, ठीक है, इसका डिस्टेंस जो है डी, ये डी आपका कितना होगा कि आपका इस पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड एच होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक होता है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, यहाँ पर शायद मिस्टेक हो गया किसी कारण से, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है एच, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपका बी को डिनोट करता है। ठीक है, वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा तो आप दोनों में से एक निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर दिया जाएगा, आपका ये जो आपका यूनिट होता है ये आपको देख के पहचानना पड़ेगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग समझ जाना कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, और अगर यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया रहा तो आप समझ जाना कि वह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पे आपको एच निकालना है। ठीक है, आपका सॉरी एच आपका दिया हुआ है, आपका डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कितना डिस्टेंस पे आपका एच का वैल्यू 1 एम्पियर पर मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत लंबा होता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है आपका देखिए, इसका फार्मूला होता है आपका स्ट्रेट लाइन कंडक्टर में आपका होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैं आपको समझाता हूँ आपको मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी म्यू नॉट बाई म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ठीक है, ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन में किसी पॉइंट में, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट करंट कंडिंग कंडक्टर में आपका करंट फ्लो होने के से आपका कोई भी पॉइंट में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड जो भी बोलिए, ठीक है, आपका यही होता है। अब बी हम लोग क्या जानते हैं, बी होता है आपका म्यू नॉट एच। ठीक है, अब यहाँ से एच हम लोग निकाल लेंगे, एच होगा आपका बी बाई म्यू नॉट। ठीक है, तो हम यहाँ से काट के इसको इसको नीचे कर देंगे, इसको यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका एच। यही आप लोग क्वेश्चन में दिया हुआ था, एच मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, उसका आप लोगों का करंट कितना हुआ दिया हुआ था, आई कॉस्ट दिया हुआ था आपका, देखिए आई कॉस्ट कितना दिया हुआ था और डिस्टेंस डी कितना दिया हुआ था। देखिए आई आपका दिया हुआ है 10 एम्पियर। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस निकालना है, एच दिया हुआ है 1 एम्पियर पर मीटर, 10 और 1। ठीक है, देखिए आई दिया हुआ है आपका, आई दिया हुआ है आपका 10 एम्पियर और आपका एच दिया हुआ है 1 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, हम लोग यहाँ जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, आपका डी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका आई बाई 2 पाई डी इक्वल्स टू एच, तो आई का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 10 एम्पियर है, आई का वैल्यू 10 एम्पियर यहाँ बिठा दीजिए बाई 2 पाई डी। डी हम लोग को निकालना है डिस्टेंस और एच हो गया आपका 1। ठीक है, तो हम लोग का डिस्टेंस यहाँ से किया जाएगा, डी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 10 बाई 2 पाई। ठीक है, इक्वल्स टू आपका यहाँ पे आप काट डालो इसको 5 5 बाई पाई मीटर। ठीक है, तो
मैं देखते हैं आंसर मिला है कि नहीं। 5/5 होना चाहिए हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी का आंसर बी है, ये मतलब 10/2π, मतलब 10/2π मतलब वही 5π होता है, ठीक है। तो यहाँ से कट गया 5/5, ठीक है, आंसर आपका करेक्ट है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन के लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए आपका फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, यही होता है आपका फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है। ये आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। ये आपका डी हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है, जिस मतलब जितना डिस्टेंस पे आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और करंट करंट कंडक्टर में आपका करंट का वैल्यू है आई, और एच हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड जो भी हो, हाँ आपको क्वेश्चन में दिया हो रहेगा, आपको पता चल जाएगा। और मैग्नेट बी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, और मीनोट आपका परमिएबिलिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस डीसी वोल्टेज, ठीक है, मतलब आपका डीसी वोल्टेज दिया हुआ है कुछ, देखिए जैसे अगर कुछ डीसी वोल्टेज है और आपके पास यहाँ पे आपका कैपेसिटर जो है आपका सीरीज में लगा हुआ है, ऐसा करके बहुत सारा कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा करके लगा हुआ है। तो यहाँ पूछ रहा है आपका, इस कैपेसिटर में सेम करंट फ्लोस थ्रू ईच कंडक्ट कैपेसिटर इन गिवन टाइम, ठीक है, मतलब सेम करंट फ्लो हो रहा है, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, मतलब सब कैपेसिटर में चार्ज सेम है, द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, और द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम एंड सेम करंट फ्लोस थ्रू ईच कैपेसिटर इन गिवन टाइम। तो यहाँ पर देखिए आपका वोल्टेज जो है, रुकिए आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ, आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर मानिए आपका एक वोल्टेज डीसी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज में, मैंने आपका चार्ज ही लगा हुआ है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका वोल्टेज वी हो जाएगा, यहाँ मैं इसका वोल्टेज वी मान लिया, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, यही आपका वोल्टेज जो है आपका डिवाइड हो जाएगा, इसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लोग सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए आपका वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ आपका कैपेसिटर जो चारों है, चारों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, मतलब सेम है, ठीक है। अब सेम है कैपेसिटर तो चारों में इक्वल डिवाइड होगा, मतलब वी बाई फोर है, 4/V/4 हो जाएगा, ठीक है, ये भी V/4, ये भी V/4 और ये भी V/4, ठीक है। अब इसमें देखिए करंट जो है, यहाँ पे करंट आपका चारों में सेम हो रहा है, क्योंकि आप लोग सीरीज में कनेक्टेड है, ये करंट सब में सेम होगा, इसमें भी चारों में से चारों में चारों आई करंट होगा, और आई आपका प्रोपोर्शनल होता है नंबर चार्ज के, ठीक है, चार्ज भी आप लोग का चारों में चारों सेम ही होगा, ठीक है। तो करंट और चार्ज दोनों सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, चार्ज ऑन इच कैपेसिटर इज सेम और सेम करंट फ्लो थ्रू इच कैपेसिटर इन गिवन टाइम, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब देखिए 125 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, डैश कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग कौन सा वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर्क हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग, इंफ्रारेड हीटिंग और एडी करंट हीटिंग। आर्क हीटिंग और रेजिस्टेंस हीटिंग जो होता है ये दोनों, ये आपका पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग होता है, ठीक है, POWER पावर फ्रीक्वेंसी। पावर फ्रीक्वेंसी कितना होता है आपका 50 हर्ट्ज, आपका नॉर्मल जो सप्लाई जो होता है नॉर्मल हम लोगों का घर पे, या फिर जो मतलब पावर प्लांट में जो वोल्टेज आपका जनरेटर जो मतलब पावर जनरेट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है, इसलिए उसका पावर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और आपका आर्क हीटिंग और रेजिस्टेंस हीटिंग ये दोनों का पावर फ्रीक्वेंसी भी ऑपरेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पूछा है आपका हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी आपका एडी करंट हीटिंग, ठीक है, एडी करंट हीटिंग हाई फ्रीक्वेंसी है, और एडी करंट हीटिंग आपका 10 किलो हर्ट्ज से
है, ऊपर काम करता है, ठीक है। अब इसका जो रेंज होता है आपका, बहुत ढेर सारे बुक में कभी बहुत सारे कुछ दिया हुआ रहता है। यहाँ पर देखिए 10 किलोहर्ट्ज़ से 400 किलोहर्ट्ज़ बोला गया है, किसी किसी बुक में आपको 40 किलोहर्ट्ज़ तक भी दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग नॉर्मली आपका यहाँ पे 10 किलोहर्ट्ज़ याद रखिएगा, ठीक है। 10 किलोहर्ट्ज़ कहीं भी दिखेगा तो आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है, एडिकरण के लिए। ये हाई फ्रिक्वेंसी है। और बाकी बचा आपका इंफ्रारेड जो है, ये जीगा हर्ज में काम करता है, मतलब ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी हो गया, ठीक है। 10^12 आपका जीगा हर्ज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आपका वेरी हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग में अंडर में आता है ये, ठीक है। और आपका हाई फ्रिक्वेंसी में ऑप्शन डी करेक्ट होगा, समझ गए आप लोग, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे थ्योरी पार्ट जो है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे आपका टेम्परेचर दिया हुआ है, ये आपका एनेलिंग में काम आता है, ठीक है। ये आपका यूजेज दिया हुआ है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। और ये आपका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब ताप भेदन का गहराई। यहाँ पे एक रिलेशन बनता है आपका, देखिए टी होता है अनुपात रूट ऑफ आर ऑफ एफ, ठीक है। ये जो रिलेशन है आप लोग याद रखिए, इसमें न्यूमेरिकल्स भी देते हैं कभी कभी, ठीक है। टी समानुपात रूट ऑफ आर ऑफ एफ, ठीक है। ये है आपका डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन टी, और एफ होता है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, इस पर क्वेश्चन क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ऑक्सीजन इज एन किस टाइप का गैस है, हम लोग को बोलना है। तो इसमें क्या टाइप का दिया हुआ है, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और इनर्ट। तो चलिए देखते हैं चारों ऑप्शन में चारों क्या क्या चीज़ है आपका। देखिए फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, तो चलिए इसका देखते हैं क्या है इसका अंतर। देखिए आपका फेरोमैग्नेटिक सबसे पहले आता है, फेरो, ठीक है, फिर उसके बाद पैरा मैग्नेटिक, उसके बाद डाया मैग्नेटिक, ठीक है। इसमें आपका परमियाबिलिटी जो होता है म्यू, ठीक है, म्यू आपका फेरोमैग्नेटिक में आपका ग्रेटर देन 10,000 होता है, ठीक है, रिलेटिव परमियाबिलिटी। तो यहाँ पे आर होगा, रिलेटिव परमिटिविटी होता है आपका ग्रेटर देन 10,000 होता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक में आपका ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन 1 के आसपास ही होता है, ठीक है, नियर टू 1, नियर टू 1, ठीक है, नियर टू आपका 1 होता है, ठीक है। और लास्ट जो है आपका डायामैग्नेटिक, ये आपका लेस देन 1 होता है, ठीक है, नेगेटिव में भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखिएगा किसका परमियबिलिटी कैसा होता है, ठीक है। ये आपका फेरोमैग्नेटिक जो है ये आपका ग्रेटर देन 10,000 होता है, पैरामैग्नेटिक आपका ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन नियर 1, तो मतलब 1 के आसपास ही होता है लेकिन ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। और डायामैग्नेटिक जो होता है ये आपका लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका पैरामैग्नेटिक ग्रुप में आता है, ठीक है, क्योंकि वो मैग्नेट के द्वारा बहुत कम मतलब फोर्स है लेकिन फिर भी पकड़ता है मैग्नेट के द्वारा, ठीक है, मैग्नेट या कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पकड़ लेता है उसको। चलिए यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक गैस है, वो चुंबकीय पदार्थ में जीन पर चुंबकीय प्रभाव प्रबल नहीं होता, प्रबल नहीं होता, होता है चुंबक प्रभाव लेकिन वह प्रबल नहीं होता, बहुत कम होता है, ठीक है। वो अनुचुंबकीय और समचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे जैसे ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की तरह ही एलुमिनियम, टीन, प्लेटिनम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है, ऑक्सीजन, क्राउन कांच, निकेल के लवण मतलब सॉल्ट ऑफ निकेल, ठीक है,
उसके बाद दुर्लभ मिट्टी आदि, ठीक है, ये सब आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आता है, ठीक है। उनकी अपेक्षित मतलब म्यू आर चुंबकशीलता, मतलब म्यू आर मतलब रिलेटिव परमियाबिलिटी, ठीक है, इकाई से कुछ अधिक होता है, मतलब ग्रेटर देन होता है, वन होता है, लेकिन वन के पास ही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपका लोहा इस्पात, ये तो हम लोग जानते ही हैं। फेरोमैग्नेटिक मतलब जिसको इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने के तुरंत ही खींच लेता है, ठीक है। कोई भी मैग्नेट हो मतलब तुरंत खींच लेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स काम करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उनके जोगी का मिश्रा तो इतना मतलब ये सब आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी बच्चा डायमैग्नेटिक मटेरियल, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी लेस देन वन होता है, ठीक है, जैसे चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, पारा, गंधक, रबर आदि, ठीक है। मतलब ये है आपका लेड, ये आपका एज मतलब पारोद, और मतलब मरकरी, ठीक है, यह है जिंक, यह हो गया तांबा मतलब कॉपर, और चांदी मतलब सिल्वर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, द अर्बन सर्विस पीक टाइम कर्व हैज नो, ठीक है, यहाँ पे मैंने चांदी और तांबा ये सब का मीनिंग आप लोगों को सही बताया कि नहीं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द अर्बन सर्विस स्पीड टाइम कर्व हैज नो, ठीक है। अब स्पीड टाइम कर्व क्या होता है देखते हैं। चलिए आपको फोटो दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे अर्बन सर्विस बोला है, ठीक है, तो अर्बन सर्विस आप लोग बताता हूँ क्या चीज़ होता है ये। चलिए आपको दिखाता हूँ फोटो अर्बन सर्विस का, हाँ, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है अर्बन सर्विस का स्पीड टाइम कर्व होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन पीरियड है, आपका कोस्टिंग पीरियड है, आपका ब्रेकिंग पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब जब ट्रेन चालू हो जाता है, ठीक है, चालू होने के टाइम आपका एक्सेलरेशन पीरियड होता है, मतलब स्पीड आपका इंक्रीज होता है उस टाइम, ठीक है। और यहाँ पे आपका कोस्टिंग पीरियड है, ठीक है, कोस्टिंग पीरियड मतलब आपका स्पीड बहुत हाई करके वहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है मोटर को, ठीक है, मतलब कंटिन्यूस आपका करंट पे नहीं चलता है, कांस्टेंट स्पीड पे वो आपका एक मतलब सर्टेन स्पीड पे आपका ले जाके वहाँ पे आपका सप्लाई से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका रिटार्डेशन जो होता है मतलब डी एक्सेलरेशन जो होता है उसे डी एक्सेलरेशन के दौरान बाकी जितना डिस्टेंस होता है आपका कवर करता है, और लास्ट में आपका ट्रेन को रोकने के लिए हम लोग करते हैं ब्रेकिंग। अब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं अर्बन लाइन क्या होता है। अर्बन सर्विस, अर्बन सर्विस मतलब आपका जो मेट्रो सर्विस होता है, ठीक है, उसको आप लोग अर्बन सर्विस कह सकते हैं, ठीक है। मेट्रो ट्रेन आप लोग चढ़िएगा तो आप लोग देखिएगा आपका ट्रेन जब चालू होता है उस टाइम का ट्रेन स्पीड पूरा पकड़ लेता है, ठीक है। वहाँ पे देखिएगा मोटर का आवाज़ होता है, एक बार कभी इंजन के आसपास में आप लोग उठ के देखिएगा तो ट्रेन में इंजन का आवाज़ होता है, ठीक है। स्पीड पकड़ने के बाद वो आपका मोटर में आपका डिस्कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे देखिएगा कोई भी आवाज़ नहीं आता है, मतलब मोटर जैसा कोई आवाज़ नहीं आता है, ठीक है, ट्रेन के अंदर से, बाकी जितना चलने के जितना आवाज़ आता है बस उतना ही। इससे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, मतलब ये आखिर में काम कैसे कर रहे हैं, मतलब हो कि हो ही नहीं रहा, हो रहा है या नहीं, ठीक है। और लास्ट में रोकने के लिए हम लोग ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये है आपका अर्बन सर्विस हो गया। दूसरा होता है आपका सब अर्बन सर्विस। अब सब अर्बन सर्विस क्या होता है, सब अर्बन सर्विस होता है आपका जो लोकल ट्रेन होता है आपका बड़े बड़े शहरों में, उसको हम लोग कहते हैं सब अर्बन सर्विस। वो भी उसी की तरह काम करता है, आपका स्पीड एक जगह में स्पीड उठा के वो आपका मतलब सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। आप लोग इसमें और भी अच्छे से समझिएगा कि ये काम होता है या नहीं। आप लोग कोई भी मतलब कोच में अगर उठेगा तो देखिएगा वहाँ मोटर चल मतलब ट्रेन स्टार्ट चालू होने से पहले मोटर का आवाज़ आता है चालू होने का, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, कभी भी चलिए जाइएगा तो, ठीक है। तो वहाँ पे मोटर चालू होता है,
ट्रेन स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद जब पूरा स्पीड उठा जाता है एक जगह जगह, तब देखिए मोटर ऑफ कर देता है। मोटर ऑफ करने के बाद वो नॉर्मली चलता रहता है, ठीक है। और जब स्टेशन आने लगता है उस टाइम यहाँ तक आके आपका ब्रेकिंग को दबा दिया जाता है, ठीक है। और बीच में जब आपका ट्रेन का मोटर स्विच ऑफ करके जो है जितना डिस्टेंस पर चला उसको हम लोग कहते हैं कोस्टिंग पीरियड, ठीक है। समझ गए हम लोग इसमें कौन सा क्या नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए एक्सेलरेशन, कोस्टिंग और ब्रेकिंग तीन चीज़ें हैं यहाँ पर दोनों में, ठीक है। अब बचा मेन लाइन सर्विस। मेन लाइन सर्विस क्या होता है आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए ये होता है आपका मेन लाइन सर्विस, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका ये जो है आपका ये आपका एक्सेलरेशन पीरियड, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ये आपका एक्सेलरेशन पीरियड है, ठीक है। उसके बाद आपका ये है आपका फ्री रनिंग पीरियड, ठीक है। ये है आपका फ्री रनिंग पीरियड, ठीक है। एक मिनट रुकिए, आज मैं फ्लाइट मोड करना भूल ही गया, अब मैसेज आ ही रहा है। चलिए देखते हैं फ्री रनिंग, ठीक है। फ्री रनिंग ये है आपका फ्री रनिंग, और ये है आपका कोस्टिंग पीरियड, ठीक है। और ये है आपका ब्रेकिंग पीरियड, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया था हम लोगों को कोस्टिंग पीरियड में क्या होता है, ब्रेकिंग पीरियड में क्या होता है, और एक्सेलरेशन पीरियड में क्या होता है। अब बाकी बचा इस मेन लाइन सर्विस में एक्स्ट्रा क्या आपका फ्री रनिंग पीरियड, ठीक है। फ्री रनिंग पीरियड वही होता है जो आपका देखिए मेन लाइन सर्विस मतलब आपका नॉर्मल जो आपका पैसेंजर ट्रेन चलती है, ठीक है। नॉर्मल लॉन्ग डिस्टेंस पे मानिए 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, मतलब आपका नॉर्मल जो चलता है, ठीक है, आपका इंडियन रेलवे का, ठीक है। इसमें स्लीपर वीपर जो होता है वो सब ट्रेन जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनाए मतलब ट्रैवल करते हैं लोग, वो सब ट्रेन आपका मेन लाइन सर्विस कहते हैं, ठीक है। उसमें फ्री रनिंग पीरियड, फ्री रनिंग पीरियड मतलब यहाँ पे आपका एक जगह स्पीड जब जाके यहाँ पे एक्सलरेशन जब रुक जाती है तो एक कांस्टेंट स्पीड पे आपका ट्रेन चलती है आपका सप्लाई के साथ, ठीक है। सप्लाई कनेक्टेड रहता है, ठीक है, ये आपका सप्लाई कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और जब एक जगह मतलब जब यहाँ पे स्टेशन के आसपास रहता है तो वहाँ पे आपका कोस्टिंग पीरियड चला दिया जाता है, ठीक है। कोस्टिंग पीरियड चलने के बाद जब स्टेशन के अंदर घुसने लगता है तो आपका ब्रेकिंग पीरियड चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या देखा, फ्री रनिंग। फ्री रनिंग मतलब वही है आपका सप्लाई के साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस पे चलता है कांस्टेंट स्पीड पे। यहाँ पर देखिए आपका कर्व भी फ्लैट है तो आप लोग समझ सकते हैं ये आपका एक कांस्टेंट स्पीड पे ही चल रहा है। देखिए कर्व यहाँ पे फ्लैट फ्लैट है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड पे चलता है, तो समझ गए आप लोग तीनों टाइप का कर्व क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया, अर्बन सर्विस में कौन सा नहीं रहता है, ठीक है। नो अर्बन सर्विस मैंने कौन सा बताया था आपका, मेट्रो रेल। मेट्रो रेल में क्या क्या था आपका, स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन, फिर लाइन को डिसकनेक्ट करके उसको नॉर्मल जो स्पीड पर रहता है उसी से आपका डीएक्सेलरेशन पे कुछ देर तक चलाना, फिर आपका ब्रेकिंग करके स्टेशन के अंदर घुस जाना। तो यहाँ पे आपका क्या क्या था, एक्सेलरेशन पीरियड आपका, कोस्टिंग पीरियड था आपका, ब्रेकिंग पीरियड था, लेकिन था नहीं आपका फ्री रनिंग पीरियड, मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्री रनिंग पीरियड था किस में, आपका मेन लाइन सर्विस में, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, शायद अगली बार पूछ दे यही कि आपका यहाँ पर अर्बन सर्विस हटा के यहाँ का नो हटा दिया, यहाँ पर लिख दिया मेन लाइन सर्विस, ठीक है, उसमें आपका कौन सा रहता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आपके यहाँ पे फ्री रनिंग पीरियड यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी सब भी रहता है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक ये रहता है मेन लाइन सर्विस में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी होगी आप लोगों को समझने में, ठीक है। मैं एक बार धीरे धीरे ऊपर कर देता हूँ, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके।
है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द कंडक्टर टाइड बिटवीन टू सपोर्ट्स टेक्स द शेप ऑफ कैटेनरी। देखिए, दो सपोर्ट मतलब दो पोल के बीच में हम लोग जब कंडक्टर लगाते हैं तो आप लोग का तार कुछ ऐसे दिखता होगा, आप लोग का थोड़ा सा नीचे झुका हुआ होता है, हाँ लटकता है वो। तो लटकने का जो डिज़ाइन होता है मतलब शेप जो होता है, ये जो शेप दिख रहा है आपको, इसी को हम लोग कैटेनरी कहते हैं। ठीक है, कैटेनरी शेप कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कैटेनरी ड्यू टू मतलब किस कारण से ये कैटेनरी होता है। ठीक है, तो सर तो सबको जानते हैं कि ये एक ही चीज़ होता है, वो आपका होता है सैग। ठीक है, सैग के कारण ही ये आपका कैटेनरी होता है। ठीक है, और ये कैटेनरी जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, सैग जो होता है आपका प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना आपका ये जो वायर है वायर में आपका टेंशन कम होगा। टेंशन मतलब आपका खिंचाव जो होता है। ठीक है, गर्मी में खिंचाव कम होता है इसलिए आपका और ज़्यादा नीचे चला जाता है। ठीक है, और जब ठंडे का टाइम आता है तो आपका ये थोड़ा ऊपर चला जाता है क्योंकि आपका खिंचाव उसमें ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ठंड के टाइम में इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका सैग का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। थोड़ा बेसिक फार्मूला है, डब्ल्यू है आपका कंडक्टर का भार मतलब वेट जो होता है। ठीक है, उसका एल होता है लंबाई। ठीक है, और टी तनाव मतलब जो टेंशन में बोल रहा था वही है, टेंशन वायर में के अंदर टेंशन मतलब तनाव खिंचाई जो मैं बोल रहा था वही है आपका। ठीक है, तो ये आपका फोर्स होता है एक टाइप का। ठीक है, न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट। ठीक है, और बाकी देखिए आपका ट्रांसपोजिशन जो होता है आप लोग जानते हैं, कंडक्टर को हम लोग ऐसे करके शेप कर देते हैं। ठीक है, ये होता है आपका ट्रांसपोजिशन, ये होता है आपका कम्युनिकेशन लाइन के साथ जो वोल्टेज डिफरेंस जनरेट होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग ट्रांसपोजिशन करते हैं। कोरोना होता है आपका ब्रेक डाउन ऑफ एयर, जिसके कारण हम लोग विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज या विजुअल मतलब जो हिसिंग साउंड होता है वो दिखता है आप लोगों को, और जो वायलेट कलर का ग्लो होता है वो भी दिखता है आप लोगों को कोरोना के कारण। जो क्रिटिकल एक होता है आपका डिसरप्टिव वोल्टेज जहाँ पर आवाज़ मिलती है आप लोगों को, और क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज जहाँ पर आप लोगों को लाइट दिखने लगता है कोरोना की वजह से। ठीक है, तो बाकी बचा 8 दिन। ठीक है, ये तो आपका काफ़ी लंबा टॉपिक है, आप लोगों को बाद में बता दूंगा। ठीक है, चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द वाटेज रेटिंग जो होता है ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज्ड एज सीलिंग फैन विल बी इन रेंज ऑफ। ठीक है, सीलिंग फैन का रेटिंग पूछा है बस और कुछ नहीं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है सबको जानता है। ठीक है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोग घर में जब फैन खरीदने जाते हैं सीलिंग फैन, तो आप लोग का वाटेज आप लोग जानते हैं उसमें कितना वाटेज होता है, 10 से 50 तो होता नहीं है, 10 वाट का फैन तो आपको दिखता नहीं कभी। आपका फोर उसका वाटेज होता है 600 वाट भी नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा हो गया, 200 वाट भी नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपका आंसर आपका सी होता है, 50 से 150 के बीच में रहता है। ठीक है, आपका घर में सीलिंग फैन होता है आपका जनरली हम लोग तो 60 वाट का यूज़ करते हैं। ठीक है, फैन जो होता है ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, कौन सा रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट रिलेटेड है, स्किन इफेक्ट भी रिलेटेड है, फेरेंटी इफेक्ट भी रिलेटेड है, और बाकी बचा स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। ठीक है, तो स्ट्रोबोस्कोपिक वाला रिलेटेड नहीं, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट आपको कहाँ दिखता है, ये आपका दिखता है आपका फ्लोरोसेंट लैंप केस में। ठीक है, फ्लोरोसेंट लैंप मतलब ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट या CFL जो भी हो, तो उस केस में स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कैसा दिखता है आपको। स्ट्रोबोस्कोपिक आपको देखिए वो आपका होता है जब आप देखिएगा कि अच्छा मतलब जो लाइट देखेगा मतलब ब्लिंक करता है। ठीक है, ट्यूबलाइट को कभी ब्लिंक करते हैं आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन कभी कभी सिनेमा टिनेमा ये सब में आप लोग देखे होंगे, लाइट जब ऑफ ऑन होता है तो आदमी लोग एक नॉर्मल जो आदमी चलता है ऐसे लाइट के सामने से, तो आप लोगों सीधा उसको चलते हुए नहीं दिखते हैं आप लोग, एक बार एक जगह देखे थोड़ा गैप में देखे फिर दूसरा गैप में देखे तो चलते हुए दिखते हैं आप लोग, ये सब आप लोग टीवी में ज़्यादा देखे होंगे ये। ठीक है, मतलब लाइट को ज़्यादा ब्लिंक करते हैं, उसको इंग्लिश में फ्लिकरिंग कहा जाता है। ठीक है, वो फ्लिकरिंग को हम लोग स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है,
आप लोग एक फोटो दिखा देता हूँ आप लोग को, समझ में आ जाएगा कि स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है। कुछ ऐसे ऐसे होता है आपका स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, ठीक है। देखिए आप लोग का जो ट्यूबलाइट होता है उसमें अगर आप लोग का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसका कम हो जाता है, ठीक है, उस केस में आप लोगों का ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। नॉर्मली आप लोग को दिखेगा नहीं, कभी कोई लाइट में आपका फ्रीक्वेंसी कम हो तो उस केस में आप लोग का दिखता है, क्योंकि उसमें आपका जो साइनोसॉइडल वेव जो होता है, ये देखिए साइनोसॉइडल वेव कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो ये जो जीरो क्रॉसिंग होता है यहाँ पे, ये क्रॉसिंग आपका जितना लेट से होगा, ठीक है, जितना लेट से ये क्रॉस करेगा तो उतना ज़्यादा आपको ये सब फ्लिकरिंग दिखेगा, ठीक है, ठीक है। और जितना ज़्यादा फास्ट होगा ये, ठीक है, या कोई जितना ज़्यादा फास्ट होगा ऐसे करके उसका इतना कम होगा, मतलब नॉर्मल आप लोग का कोई भी चीज़ मूव करते हुए दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है। चलिए देखते हैं आगे, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट करेक्ट कैंसर होगा। और फेरेंटी इफेक्ट मतलब ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट होता है आपका, जब रिसीविंग एंड का वोल्टेज आपका सप्लाई एंड से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये आपका कैपेसिटिव इफेक्ट के लिए होता है, चार्जिंग करंट जब हो जाता है उसके कारण होता है। फिर आपका स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट आपका होता है जब आपका कोई भी कंडक्टर में, स्टैंडर्ड कंडक्टर में आपका, या कोई स्टैंडर्ड कंडक्टर जब आपका करंट, जब आपका उसका स्किन पे ज़्यादा फ्लो करने लगता है, ठीक है। मतलब आपका कुछ, आपका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ होना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर से आपका ज़्यादा फ्लो करता होगा कंडक्टर के सरफेस पे, ठीक है, उसको हम लोग स्किन इफेक्ट करते हैं। इसका रीज़न आपका बोला था मैंने, ठीक है, आप लोग पहले वाले वीडियोस देखिएगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ, ठीक है। इसका कारण होता है आपका फ्लक्स लिंकेज के कारण, ठीक है, जो बीच वाला कंडक्टर है उसके साथ फ्लक्स लिंकेज, बाहर वाले जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है उसके साथ फ्लक्स लिंकेज आपका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बीच वाले के साथ, इसलिए वहाँ पे एक रिएक्टेंस जनरेट होता है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण उसका करंट को अपोज करने लगता है, ठीक है। इसी कारण से आपके बीच में करंट कम फ्लो होता है और यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज कम रहता है, सिर्फ उसका अपना फ्लक्स लिंकेज रहता है, ठीक है। इसी कारण से मतलब जो बीच वाला कंडक्टर है उसमें एक दो तीन चार पाँच पाँच का कंडक्टर का पाँचों स्ट्रैंड का जो फ्लक्स है उसका लिंकेज करता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टेंस होता है, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ ये दोनों का होता है, ठीक है, ये दोनों का, इसलिए यहाँ पर ये वाले कंडक्टर पर आपका रिएक्टेंस कम होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो करता है इसको हम लोग, इसलिए इसका स्क्रीन पे ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है कोई भी कंडक्टर पे, स्टैंडर्ड कंडक्टर, ठीक है। हॉलो कंडक्टर में आपका स्किन इफेक्ट नहीं होता है, मतलब ना के बराबर होता है, ठीक है। और डीसी में भी स्किन इफेक्ट नहीं होता क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, फ्रीक्वेंसी जीरो होगा तो आपका रिएक्टेंस वैसे भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2πfL, ठीक है, एफ जीरो होगा तो रिएक्टेंस जीरो होगा, रिएक्टेंस जीरो होगा तो आपका करंट को अपोज नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऑफ नहीं कर पाएगा तो आपका यूनिफॉर्मली करंट फ्लो होगा, ठीक है। और बाकी बचे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी आपका दो कंडक्टर बीच आजू बाजू में जब चलता रहता है करंट, एक इस तरफ या फिर ऐसे करके या फिर ऐसे करके करंट फ्लो होता है, तो इस केस में कुछ वैसे ही होता है आपका, जो दोनों पैरेलली कंडक्टर रहता है दोनों का सरफेस पे, मतलब एक इसके साइड पे एक इसके साइड पे आपका करंट फ्लो होता है, सरफेस पे फ्लो करता है, मतलब प्रॉक्सिमिटी हो जाता है, ठीक है, सामीप्य, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी हो जाता है, इसलिए आपका इसका इस साइड में करंट फ्लो होने लगता है, इसका इस सरफेस पे करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है, इसको हम लोग प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं और डिटेल्स में बताऊंगा आप लोगों को अच्छे से, जब अगला क्वेश्चन में आएगा तो मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। अभी तक के लिए आप इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है, दो आजू बाजू कंडक्टर जब रहते हैं करंट फ्लो करता है तो इसके कारण हम लोग प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को फेस करते हैं, ठीक है। और स्किन इफेक्ट अपने ही खुद के कंडक्टर के स्टैंडर्ड में फ्लक्स लिंकेज के कारण इसे होता है, ठीक है, ये भी फ्लक्स लिंकेज के कारण ही होता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों कंडक्टर में, दो कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण होता है, ये अपने ही खुद के कंडक्टर के स्टैंडों के बीच में होता है, ठीक है, समझ गए आप लोग।
तो आज 130 तक ही रखते हैं, अगले दिन फिर मिलेंगे 131 नंबर के साथ, ठीक है? आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है? वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ठीक है? शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? तब तक चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चलिए, बाय बाय।